हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट एडिंग शौक। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको इसका लिंक मिलेगा और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। शौक या सदमा क्या है? सदमा एक जीवन मरण वाली स्थिति है जो उस समय होती है जब शरीर को पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिल रहा होता है और रक्त प्रवाह में कमी के कारण जो हमारे कोशिकाएं हैं, हमारे अंग हैं, उनको अपना काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। सदमे के कारण कई अंग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और इवन डेथ भी हो सकती है। कारण क्या होंगे शोक के? सबसे बड़ा कारण है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जिसको मैं फाइलेक्सिस भी कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, हार्ट फेल हो जाए या ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, डिहाइड्रेशन हो जाए यानी पानी की कमी हो शरीर में, पॉइजनिंग मतलब कोई जहरीला पदार्थ खा लिया हो, बर्न जल गया हो बहुत ज़्यादा, इमोशनल स्ट्रेस, एकदम से यदि कोई इमोशनल स्ट्रेस, दुख या खुशी आती है तब भी जो सडन डेथ होती है उसका कारण शॉक होता है। सीवियर वोमिटिंग और डायरिया, ठीक है, इनसे बाद में डिहाइड्रेशन होगा और फिर शॉक हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट लगने से भी शॉक हो सकता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि शॉक है या नहीं? तो उसके कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं, जैसे रैपिड वीक और एब्सेंट पल्स होती है, बहुत ज़्यादा आपको तेजी से चलती हुई नाड़ी और हार्ट रेट मिलेगी और कई बार एब्सेंट भी हो सकती है और कई बार बहुत ही वीक हो, इरेगुलर होगी हार्ट बीट, है ना, लगातार नहीं चलेगी, रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर हो जाएगी, कभी धीमी कभी तेज। रैपिड और स्लो ब्रीदिंग, यानी सांस बहुत तेजी से चलेगी, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेकर होगी। लाइट हेडेडनेस, यानी चक्कर आ सकते हैं, कूल एंड क्लेमी स्किन, डायलेटेड प्यूपिल्स, प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट होंगे, ब्लर्ड विजन यानी क्लियर दिखाई नहीं देगा, ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई देगा, चेस्ट पेन हो सकता है, नोजिया, उल्टी आने जैसा हो सकता है, व्यक्ति कन्फ्यूज होगा, उसको बात जब करेंगे तो उसे तो कन्फ्यूजन सा लगेगा, ठीक है ना। एंजाइटी, बहुत ही घबराहट, चिंतित लगेगा, डिक्रीज इन यूरिन, यूरिन पास नहीं होगा, कम हो जाएगा क्योंकि डिहाइड्रेशन होता ही होता है। थ्रस्ट और ड्राई माउथ होगा और टाइमली यदि हम उसको फर्स्ट एड ना दें तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है और अल्टीमेटली इवन डेथ भी हो सकती है। अब है कि टाइप्स ऑफ शॉक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक हमारी नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है और इसे रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड की चोट के रूप में परिभाषित किया गया है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ये एक प्रॉब्लम है। इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक पार्ट है वो डाउन हो जाता है, जिसके कारण पैरासिंपैथेटिक जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ज्यादा होती है और व्यक्ति शॉक में चला जाता है। दूसरा है हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक मतलब बहुत ज्यादा हेमरेज हो गया हो, तो रक्तस्रावी सदमा या हेमरेजिक शॉक कब होता है? जब ब्लड जो है वो टिश्यू तक या सेल्स तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण वहाँ ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे जो सेलुलर फंक्शन के लिए आवश्यक है। जब भी सेलुलर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो सेल्स और जो बॉडी है हमारी वो दोनों सदमे में जा सकते हैं। अगला है रेस्पिरेटरी शॉक। यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब हमारी श्वसन प्रक्रिया विफल हो जाती है किसी बीमारी के कारण या कोई रुकावट हो जाए उसके कारण, जैसे चोकिंग, और शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन से वंचित हो जाती हैं, तो रेस्पिरेटरी शॉक हो सकता है। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक या सदमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो हमारी हार्ट है वो अचानक शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ब्लड सप्लाई या पंप नहीं कर पाता है। यह हालत अक्सर दिल के दौरे के कारण होती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक शॉक। ज्यादातर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण मेटाबॉलिक शॉक देखा जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही टेकिपनिया का कारण बनता है और गंभीर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में शॉक और फिर मृत्यु भी हो सकती है।
नॉर्मली हमारा पीएच ब्लड का 7.4 होता है, और जब ये 7.35 से कम हो जाता है तो एसिडोसिस की स्थिति आ जाती है। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक कब होता है? जब हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं, और जब सेप्सिस होता है तो ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमारा शरीर उस संक्रमण को प्रति, जो उसकी प्रतिक्रिया होती है वो पूरी बॉडी में एक साथ होती है, जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और व्यक्ति शॉक में चला जाता है। ये भी काफी कॉमन है। उसके बाद आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये एलर्जी के लिए, जो सीवियर एलर्जी होती है उसमें देखा जाता है। गंभीर एलर्जी वाले कुछ लोग जिन्हें वो उस चीज के, उस वस्तु के संपर्क में आते हैं जिनसे उन्हें एलर्जी है, तो एनाफाइलेक्सिस नामक जो जीवन मरण वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। नतीजन उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में ऐसे केमिकल्स को छोड़ती है जिनसे हमें एनाफाइलेक्टिक शॉक या सदमा लग सकता है। अब आता है कि इस शॉक की फर्स्ट एड कैसे की जाए। तो सबसे पहले व्यक्ति के जो पैर हैं उसको हम ऊपर उठाएंगे, हार्ट लेवल से लगभग 12 इंच ऊपर उठाएंगे, और सिर, गर्दन और पीठ यदि घायल है तो हम ये कंडीशन नहीं करते हैं, फिर सीधे रखेंगे। और यदि हमें ये शक है कि उसके पैर की हड्डी या कुल्हे की हड्डी टूटी हुई है, तो इन स्थितियों को छोड़कर बाकी सब में हम पैरों को ऊपर उठाएंगे, व्यक्ति के सिर को फ्लैट रखेंगे, ऊपर नहीं उठाएंगे। यदि उसे उल्टी हो रही है या मुंह से खून आ रहा है तो उस व्यक्ति का सिर एक तरफ घुमा देते हैं। जो रोगी है उसको आश्वस्त करेंगे कि आप चिंता ना करें, हमें पता है कि स्थिति में क्या करना है। गर्दन, छाती और कमर के आसपास के कपड़ों को ढीला करें ताकि ऑक्सीजन ज्यादा उसको मिल सके। कैजुअलिटी या जो रोगी है उसको गर्म रखें, इसके लिए उसे कंबल या चादर में लपेट दें। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है या बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है तो सीपीआर शुरू कर सकते हैं। और सीपीआर कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है उसकी, उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके उस लेक्चर के लिंक को देख सकते हैं जिसमें हमने सीपीआर को डिटेल में डिस्कस किया है। सीपीआर तब तक जारी रखें जब तक कि मदद ना आ जाए या व्यक्ति जाग ना जाए, यानी ठीक ना हो जाए। कैजुअलिटी को कुछ भी खाने पीने को ना दें। मरीज को जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाएं ताकि आगे की उसकी जो चिकित्सा प्रक्रिया है वो कंटिन्यू हो सके। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे लेक्चर्स के बारे में मिलती रहे। आप नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com पर विजिट करें और मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी, और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।